मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का निदेश में स्वागत है। आशा करता है बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर, जिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अगर आपका कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, और अगर कभी कभी ना कोलिनरिटी वाला केस पूछ लेता है। सिंपल है, कोलिनरिटी का केस क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मतलब जितना भी पॉइंट दे रखा अगर वो सारे एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर होता है। यहाँ पे जनरली तीन पॉइंट के बारे में बात किया जाएगा, अगर वो तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, उसके इसमें लाइन बनेगा, और लाइन का सिर्फ पेरीमीटर होता है, एरिया नहीं होता, इसलिए एरिया उसका जीरो होगा, सिंपल केस है। बट हम लोग कोलिनियरिटी के केस में एरिया नहीं जीरो करेंगे, हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। हम लोग कोलिनियरिटी के केस में किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जी, स्लोप का। क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से पढ़ चुके हैं। पिछला लेक्चर था वो, पिछला लेक्चर आपका क्या था, स्लोप कैसे कैसे निकाला जाता है वेरियस फॉर्म से, क्या लाइन का इक्वेशन होता है, कैसे अलग अलग तरीके से लाइन का इक्वेशन निकाला जाता है। बहुत थोड़ा लंबा वीडियो था, लगभग 2 घंटे का वीडियो था, बट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था। उसके पहले वाला वीडियो था, डेट वॉज आपका मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इन सबसे रिलेटेड जितने सवाल थे मैंने आपको उस लेक्चर में दे रखे थे। ठीक है दोस्तों, आज आपका तीसरा लेक्चर चालू होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, कोलिनियरिटी का केस क्या है। देखिए सिंपल बात है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबसे पहले ये समझिए आप। देखिए आपका इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, देखो अगर आप हम सिर्फ यहाँ पे दो लाइन का बात करेंगे, तीन चार लाइन की बात नहीं करेंगे, पेपर में उतने कठिन सवाल नहीं आते। हम लोग 10th में क्या पढ़े थे, जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई भी दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करता है, अगर कोई भी दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब है वो जो पॉइंट है ना वो उसका सॉल्यूशन है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना वो क्या होगा, उन दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है, समझो। अगर मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन आपका L1 है और ये वाला लाइन मान लो आपका, अच्छा इसको हम लोग खूनी कलम से बनाते हैं, ये वाला लाइन मान लो L2 है, नाम पता भी लिख देते हैं, इसका नाम मान लो L1 है और इसका नाम मान लो जी L2, सिंपल है। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किया ना, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किया उसको मान लो आप पॉइंट P, और ये मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। ये जो P है ना ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये जो कॉमन पॉइंट है ना इन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, और अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सिंपल है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइंस। अब लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने आपको बता रखा था ax + by + c = 0। तो अगर आप इसको LHS में रखेंगे तो जो LHS में होगा वही RHS में होगा, अगर ये सॉल्यूशन है उस लाइन का। तो इसका मतलब क्या समझिएगा, पॉइंट पी इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइन, इट मीन्स पॉइंट पी विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ बोथ लाइन। ये सिंपल बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कोई पॉइंट, अगर मान लो उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लिए तो पॉइंट क्या करेगा, दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पेपर में आए हैं, अक्सर आते हैं सवाल, ठीक है, सिंपल बात है। अब बोलोगे सर अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट नहीं करता उसी केस में जब दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना। और बोलो सर अगर दो लाइन अगर एक ही मतलब कोइंसाइड कर गया, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ गया, एकदम सीधे सीधे चला गया, वहां पे होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या पढ़ चुके थे, पहली बात है। जनरली अपने पेपर में एक पॉइंट का इंटरसेक्शन वाला आता है, वो बहुत आसान होता है। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और है, उसको मैं डिस्कस कर ही दूं, उसके बाद लेक्चर चालू करते। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, देखिए अभी दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप क्लास 10th में पढ़े थे कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर आपका दिया हुआ है कोई भी ट्रायंगल, देख लीजिए नाम पता हम यहाँ पे लिख दे रहे, ए बी सी। मान लो पहले वाले का कोऑर्डिनेट है x1, जूम आउट हो गया ना, x1, y1, बी है आपका x2, y2, और सी है आपका x3, y3। देखिए अगर अगर आप क्लास 11th पढ़े तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी एरिया निकाला जा सकता है, लेकिन हम क्लास 10th के ही मेथड से जाएंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में क्या होता है समझिएगा, इस केस में एरिया बराबर क्या होता है,
वन बाई टू इंटू मॉड। मॉड का मतलब क्या है, अगर अंदर में फाइनल वैल्यू, अंदर में जो फाइनल वैल्यू है अगर वो मान लो निगेटिव में आएगी आप उसको पॉजिटिव बना देना, और अगर पॉजिटिव में आएगी तो आप उसको निगेटिव नहीं बनाना, पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव में रहने देना, सिंपल बात है। जो फाइनल वैल्यू होगा वो, ठीक है। तो वन बाई टू इंटू मॉड, मॉड के अंदर में क्या आएगा आपको पता है, एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स वन इंटू सॉरी एक्स वन इंटू वाई टू, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, सिंपल बात है। यहाँ खूनी कलम का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। देखिए सीक्वेंस कैसे याद किया जाता है, आई होप हमें लगता है आपको ये पता होगा। हम हमेशा मेंटेन वन टू थ्री का ऑर्डर लेके चलते हैं, हमेशा इसी रो में जाएंगे, वन टू थ्री के ऑर्डर में जाएंगे। अगर मान लो वन, अगर जो देखो ब्रैकेट के पहले हमेशा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आएगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर में होगा वो वाई वाला केस होगा। अगर हम बाहर में एक्स वन ले आए हैं तो वन के बाद कौन आता है, टू और थ्री, तो वाई टू माइनस वाई थ्री। अगर हम ब्रैकेट के बाद एक्स टू रखे हुए हैं, देखो एक्स टू आ गया तो टू के बाद कौन आएगा, थ्री, और थ्री के बाद कौन आएगा, वन। थ्री के बाद पिछमुड़िया मत चले जाइएगा, फिर से वन से स्टार्ट होगा। अगर खत्म हो गया तो फिर से वन से स्टार्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम थ्री पे गए तो थ्री तो खत्म हो गया तो फिर से स्टार्ट होगा वन और टू से, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। केस अगर मान लो कोलिनियर का केस होता है, इन द केस ऑफ कोलिनियर, इन द केस ऑफ कोलिनियरिटी, देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मान लो ये जो तीन पॉइंट था ना, ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, कोलिनियर का मतलब वही होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई गई तो इन तीनों के मदद से इस पर ट्रेंगल तो बना नहीं, लाइन बन गया। लाइन का क्या होता है जी, पेरीमीटर होता है, लाइन का तो एरिया होता नहीं है भैया, तो लाइन का एरिया नहीं होता, इसलिए हम लोग एरिया को जीरो के बराबर कर देते हैं, सिंपल बात है। तो इस केस में डेल्टा बराबर जीरो होगा, और एरिया का मतलब ही हम डेल्टा मान के चलते, ज्योमेट्री के फॉर्म में डेल्टा बराबर जीरो होगा। बट हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, बट वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, हम लोग स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए कोई भी लाइन पे, देखिए एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, अगर आप कोई भी दो पॉइंट को उठाइएगा ना, तो उन दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर आप वहां पे स्लोप निकालिएगा ना, तो हमेशा उस लाइन के कोई भी दो पॉइंट का स्लोप हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि लाइन का तो एक ही इक्वेशन होता है और लाइन का एक ही स्लोप होता है, उस पर हर 1072 पॉइंट है, उससे क्या मतलब है, सबका स्लोप तो बराबर ही होगा, कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, स्लोप बराबर होगा अगर एक लाइन पे वो सभी लाई कर रहा है तो, सिंपल बात है। और स्लोप बराबर दुनिया जानता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, एंड दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, ये सिंपल है, ये सब बात आपको पहले से पता है। नहीं पता तो थोड़ा दूसरा लेक्चर आप जाके देख लीजिए, जो सेकेंड वाला लेक्चर रिलीज हुआ था, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका वन क्या है, वन यहीं से आपके पेपर में करोड़ों बार सवाल आए। देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसका ग्राफ नहीं बनाना पहले समझते हैं, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x plus y minus 5 equal to 0 and 2x minus y minus 5 equal to 0 intersect at the point alpha beta। अगर ये intersect कर रहा है, what is the value of 3 alpha plus beta? तो पहले तो अपने दिमाग में अल्फा और बीटा लाना है जी, एकदम बात है। अगर हम अल्फा बीटा के बारे में सोचेंगे भैया तो ठीक है, तो भैया ये पॉइंट क्या है, इन दोनों का सोल्यूशन होगा। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब यही तो पॉइंट पी होगा ना, जो कि अल्फा कॉमा बीटा है। तो हमने क्या बोला, ये पी सॉल्यूशन होगा। अभी निकलेगा कैसे, तो जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको अगर आप सोल्व कर दीजिएगा तो उस पॉइंट पे एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, तो जो आपका पहला इक्वेशन है वो क्या है, आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है, और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो वही आपका पॉइंट पी चलाएगा, मतलब एक्स और वाई चलाएगा, जिसको अल्फा और बीटा बोल रहा है, सिंपल बात है। आप देखिएगा सर, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ये कोफिशियंट बराबर करना होता है एक्स का या वाई का, तभी प्लस माइनस करके जीरो लाते, सिंपल बात है। यहाँ बोलिएगा सर, यहाँ तो संजोग बहुत बढ़िया है, एग्जामिनर संजोग आपका मैच करवा दिए, वाई और वाई का कोफिशियंट सेम है, तो भैया ऐड कर देंगे तो माइनस वाई प्लस वाई जीरो हो जाएगा, सिंपल बात है। आइए ऐड कर दीजिए इसको, यहाँ से कितना आ गया 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया,
5x इक्वल टू 10, तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया 2। आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए ये आपका y चला आएगा। देखिए कि इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, x की जगह पे 2 डालिए तो 3 दुना 6, 6 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1, ठीक है ना। और x को ये क्या बोल रहा है, x को बोल रहा है अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, और y को इन्होंने नाम दिया है बीटा। जरूरी नहीं हमेशा बीटा y हो सकता है, बीटा अल्फा भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो बीटा बराबर क्या आ गया आपका माइनस 1 आ गया। तो दोस्त आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा है जी 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब 3 गुने 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना जी 5, कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी खत्म। आया समझ में, बहुत आसान सवाल, बहुत 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 आसान। हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर कोई भी दो लाइन है अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का आप उसका उन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लो, वो पॉइंट उन दोनों पे लाई करेगा। इसका यूज आपको बाद में आएगा, देखेंगे आप यूज आएगा बाद में, बट वही बात है दो लाइन अगर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका सॉल्यूशन निकाल दो, पॉइंट उसका क्या होगा उन दोनों पे लाई करेगा और वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, जो बोलेगा वो निकाल देगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है दोस्त, तो बहुत ही आसान सवाल है। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 12, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 11 एंड x - 2y + 12 = 0 इंटरसेक्ट एट px1, y1। अच्छा बाद में है जो छोड़ दीजिए, पहले तो बोला है ना ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2x + 3y = 11 और x - 2y + 12 = 0 ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिससे हमारा पॉइंट पी पता चल जाएगा। चलिए इतना पार्ट वाइज काम करते हैं, देखो क्या दे रखा है 2x + 3y = 11 और x - 3y = -12 है। आप बोलिएगा सर हम इसमें ना सबसे अच्छा चीज है ना x को सेम कर देते हैं, एक जगह x2 है एक जगह x1 है, ये तो आपको पता होगा ना, यहाँ पे हम किससे गुना कर दे 2 से, अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन गया ये 2x माइनस 4y माइनस 24, और जो ऊपर वाला इक्वेशन उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आप क्या कीजिएगा, x और x को हटाना है तो माइनस करिएगा तभी घटेगा, और आपको पता है ना साइन चेंज करना होता है, ये कट जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 35, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए x का वैल्यू चला आएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 है, x माइनस 10, y की जगह पे 5 डाल दिए तो 5 दूना 10 बराबर माइनस 12, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 आ गया। यहाँ पे बोला गया पी एक्स वन कमा y1, ये p कोऑर्डिनेट है, ये p कोऑर्डिनेट हो गया आपका, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी एक्स वन कमा y1 किसके बराबर आ गया p माइनस 2 कमा 5, ये हो गया मेरा x1 और y1 निकल चुका, ठीक है। देख लीजिएगा कहीं सॉल्यूशन में गलती होगा तो फिर हम आप चेक कर लेंगे। आगे देखिए, अच्छा कहीं भी आप सेटिस्फाई करवा के देख लीजिएगा, माइनस 4 और प्लस 15 सही है, अपना इक्वेशन सही है। अब बोल रहा है हो गया एंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, पहला पॉइंट हो गया एंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 12, इसके बारे में कुछ और सूचना दिया गया है, x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अब देखो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया इसका मतलब क्या होगा, y बराबर 0। अरे हाँ या ना, अगर ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता मतलब x बराबर 0 होता, सिंपल बात है। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया एट qx2 कमा y2, कौन वाला x माइनस 2y प्लस 12। अब देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी कहाँ पे, q पे, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट x2 कमा y2। अगर ऐसा है तो इस केस में y बराबर क्या होगा 0, y बराबर क्या होगा 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया। मान लो ना अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है, अगर मान लो कोई एक लाइन है ये वाला, मान लो अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे, ये मान लो x एक्सिस और ये मान लो y एक्सिस है, तो बोलोगे ना दुनिया जानता है सर यहाँ पे x कॉमा 0 कोऑर्डिनेट होगा, अब x मेरे को निकालना होगा, y मेरा 0 आ गया और ये किसके बराबर हो गया, ये मेरा वाई टू के बराबर हो गया, बोला है ना एक्स टू कॉमा वाई टू, तो एक कोऑर्डिनेट निकल गया, अब मेरे को सिर्फ x निकालना है इसका, y इक्वल टू 0 उसमें सेटिस्फाई करवा दो। अगर वो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है तो पॉइंट वहां पे डाल दो,
आंसर चला आएगा भैया आई। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे आप जीरो डालिए, तो एक्स माइनस जीरो प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस बारह, जो किसका वैल्यू है एक्स टू का, क्योंकि ये क्यू कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आइए क्यू कोऑर्डिनेट है आपका एक्स टू कॉमा वाई टू, जो किसके बराबर है माइनस बारह कॉमा जीरो के बराबर है। और पी कोऑर्डिनेट क्या था एक्स वन कॉमा वाई वन, जो किसके बराबर है भैया, जो है आपका माइनस टू कॉमा फाइव के बराबर है। देखिएगा साइन वाइन थोड़ा भी गड़बड़ होगा पेपर का वहीं पे कल्याण हो जाएगा, और पेपर में दिमाग एकदम शांत करके सॉल्यूशन करना होता है। यहाँ माइनस टू कॉमा फाइव आ गया, आपसे क्या निकालना है एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू। देखो क्या दे रहा है अपने को, क्या निकाल रहा है एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू। देखो एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस टू, एक्स टू का वैल्यू क्या है माइनस ट्वेल्व, लेकिन माइनस एक्स टू यहाँ पे करना तो प्लस ट्वेल्व आ जाएगा। प्लस वाई वन, वाई वन कितना है पाँच और वाई टू कितना है जीरो, कितना गया दस प्लस पाँच पंद्रह। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, यस सर ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब क्या होता है जी, चलते चलते सिंपल आसान सवाल था, लिटरली आसान था। देखिए क्या बोला, अगर पहला वाला दो इक्वेशन है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, तो आप पी कोऑर्डिनेट निकाले इनका सॉल्यूशन करके। बोला अगला एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब वहां उस जहां पे इंटरसेक्ट किया ना उस पॉइंट पे वाई जीरो होगा, और वाई जीरो रख दोगे तो एक्स निकल जाएगा, तो तुम्हारा क्यू टू निकल गया। अब जो बोल रहा है वो ऑपरेशन आप लगा दीजिए, आपका आंसर चला आएगा, सिंपल बात है। देखिए सवाल नंबर तीन के, अगर आप इस, अच्छा एक और बात, अगर आप इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में हम डाल देते हैं लिंक, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट a कॉमा 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए अभी तक क्या दे रहा था, बोला था इन दोनों, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालिए। ये पॉइंट पहले दे रखा है उसमें भी एक वेरिएबल है, और जो इक्वेशन है उसमें भी एक और वेरिएबल है, तो आपको बताना है के का वैल्यू क्या। हमने क्या बोला, हमने आपको सिखा रखा है अगर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उन दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस सर, मतलब इस पे भी ए कॉमा फोर लाई करेगा और इस पे भी ए कॉमा फोर लाई करेगा। ठीक है ना, तो ए कॉमा फोर पहले वाले इक्वेशन पे आप पुट कर दीजिए, पहले वाले इक्वेशन पे आप ए कॉमा फोर पुट कीजिए, एक्स के जगह पे ए, वाई के जगह पे फोर, तो फोर ए माइनस टू इंटू फोर एट बराबर टेन, तो फोर ए बराबर कितना आ गया एट्टीन। रखे रहते हैं इधर आते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया या ए का वैल्यू आ गया। इधर देखो फोर एक्स प्लस के वाई, मतलब फोर ए के वाई, वाई का वैल्यू कितना फोर और के तो पहले से है ही फोर के बराबर टू। अभी देखो फोर के का, फोर ए का वैल्यू ना हम लोग एट्टीन यहाँ पे चिपका दे सीधा, फोर ए का वैल्यू एट्टीन दे रखा है ना, एट्टीन प्लस फोर के बराबर टू, तो फोर के बराबर माइनस सिक्सटीन, तो के का वैल्यू अगर काटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस फोर, ऑप्शन नंबर डी खत्म। पता चला हम लोग, ये देखे बहुत आसान सवाल था बट पेपर में कभी कभी दिमाग चौक कर जाता, अच्छा इसका काम कैसे करें, तो सिंपल है जो पॉइंट है ना वो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिंपल बात है। क्यों, क्योंकि वो उन दोनों लाइन का सोल्यूशन है, सिंपल है। आगे बढ़े नेक्स्ट, अब देखिए अब यहां से आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल चालू हो जाता है, बट ग्राफ वाला, ग्राफ वाला पेपर, ये डायरेक्ट सा पेपर का ही सवाल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है और आपको बताना है भैया जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, सिंपल है, तो बहुत आसान काम है। उसके लिए सबसे पहले तो आप एक ग्राफ एक्सिस बना लिए हम लोग। देखिए हमको लगता है ग्राफ आपको आता होगा बनाने, क्लास सेवन एट में ना बहुत बार आप ऐसा काम किए हैं, बताइए ग्राफ क्लास सेवन एट में आप ऐसे करके बनाते थे ना, यहाँ पे एक आप रख देते थे पूरा और उसके बाद आप अपने मन से वैल्यू डाल डाल के एक्स वाई का वैल्यू लेके आते थे, बोलो हाँ या ना, यस सर याद आ रहा है एक्स कॉमा वाई। बट जब आप मतलब बड़े हो जाते तो वो सब नहीं बनाते, मन में करके आराम से काम कर लेते। देखिए जो पहला वाला है वो क्या है, टू एक्स प्लस फोर वाई, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेल्व है, यहाँ पे टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ट्वेल्व है, माइनस ट्वेल्व को उधर ले गए तो प्लस ट्वेल्व हो गया। अब देखो सिंपल, एक्स का वैल्यू जीरो डालो या वाई का वैल्यू जीरो डालो, देखो एक्स क्या आ जाएगा, अगर वाई जीरो डालोगे
अगर वाई जीरो डालोगे तो एक्स कितना आएगा, 6 हो। और अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x/12 + 5y/12 = 1। अब डायरेक्ट आप ऐसे इक्वेशन खींच सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर कम समझ में आए तो वैल्यू 0 0 डाल डाल के देखिएगा एक्स वाई क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप पहले वाले इक्वेशन में वाई जीरो डाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन ये कोऑर्डिनेट ले आइए 6, 0, ठीक है। अगली बार दोस्त अगर आप इसी में क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट कर देंगे, अगर आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा, 12/5 आएगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना वाई कैसे आ रहा है, 12/5, वहाँ पे पुट करके देखिए वाई का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ गया, 0.12/5। इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, ये हो गया अपना पहला लाइन। अब देखो दूसरा है x + y = 3, बहुत आसान है। देखिए अगली बार क्या है, x + y = 3, ये इसका था, हम इसका भी बना दे रहे, एक आपका ये वाला सिस्टम xy, ठीक है ना, x + y = 3 है। अगर मान लो y = 0 डालोगे तो x 3 आ जाएगा, y 0 डालोगे तो x 3 आ जाएगा। तो आप बोलोगे गुरु जी आप यहाँ पे डाल दो ना, काला कलम ले लेते हैं, 3.0। और अगर आप x की, अगर आप x को 0 डालेंगे तो y भी संयोग से 3 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 3 12/5 के ऊपर होगा कि नीचे होगा, अरे 12/5 2.4 होता है, उससे ऊपर ही होगा ना, तो हल्का ऊपर कर दो, तो 0.3। चलिए इस लाइन का इक्वेशन हम, इस लाइन का हम लोग ड्रो कर लेते हैं, हो गया। अच्छा एक और बात है, एक और बात क्या बोला है, एंड वाई इक्वल टू जीरो, ये बहुत मस्त चीज है। देखो वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया जी, एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अरे एक्स एक्सिस पे ही तो वाई इक्वल टू जीरो होता है, ये जो लाइन है ना, ये जो एक्स एक्सिस है वही वाई इक्वल टू जीरो है। आपसे बोला देखिए अब यहाँ पे कोई, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ये जो पॉइंट पी है ना, तो बताओ एक ट्रेंगल आपको बन रहा है, बनता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। चलिए हम एक कलर से आपका यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस ट्रेंगल की बात की जा रही है। आपको ट्रेंगल दिख रहा होगा भाई, चलिए अगर आपको ये ट्रेंगल दिख रहा है, रुक जाओ इसको थोड़ा प्यार से करें, हाँ एकदम धीरे धीरे, ये ठीक है ना, तो भाई ऊपर मत जाना ज़्यादा, हम भी पहली बार ये सब काम कर रहे, नोट्स बनाते रहते हैं ना, तो इसका भी फंक्शन आईपैड का दिखते रहता है क्या क्या है क्या क्या नहीं। चलिए भाई ये आपका ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का आपको एरिया बताना है। अब देखिए किसी भी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट होता है। अब बोलेगा साहब बेस तो अपने को पता है, अब बोलेगा साहब बेस तो अपने को पता है। देखो मान लो अगर आप इस लाल वाले, देखो हम वहां जो यहाँ पे ए कर देते और इस पॉइंट को बी कर देते, इसको ओ कर देते हैं। अब बोलेगा सर ओ ए का लेंथ क्या है, 3 है, और ओ बी का लेंथ क्या है, 6 है, तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, ये आपका ठीक है ना। एरिया पी ए बी बराबर क्या होगा देखना, 1/2 × बेस, बेस कितना है 3 है। अब हाइट निकालना है अपने को, मेन मुद्दा है हाइट निकालना है। अब देखो हाइट कैसे निकलेगा समझना, पॉइंट पी, अब देखो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे, जहाँ बेस है उधर ही आइएगा ना, कोई परपेंडिकुलर होगा, बोलेगा सर हैं ट्रेंगल के बाहर इसका हाइट लाई करेगा, एकदम लाई करेगा। अरे मान लो भाई अगर हम तुमको बोला जा पॉइंट पी से ए बी पे लाओ, क्या तुमको कोई ऐसा परपेंडिकुलर बनता दिखाई देगा? नहीं ना दिखाई देगा, जब नहीं दिखाई देगा तो तू बाहर ही लाई करेगा ना, भले वो बाहर लाई करेगा बट बेस ए बी ही होगा, बेस ओ बी नहीं होगा, बेस ए बी ही होगा। देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, वर्टेक्स से बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है ना, बट बेस नहीं बदलता है, ठीक है। तो अब अगर आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से अगर आप ऊपर जाइएगा इसका मतलब कि आपको वाई का वैल्यू पता होगा। अरे एक्स एक्सिस के अगर आप ऊपर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं मतलब ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, ओरिजिन से अगर आप वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं मतलब वाई का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे x, y, आप वाई को फाइंड करो, आप यहाँ पे क्या करना, वाई को फाइंड करना, आप यहाँ पे वाई को फाइंड करना, एक्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइट हमारा इस पर वाई नहीं, एक्स नहीं है, वाई है। आप इन दोनों लाइन का सोल्यूशन निकाल के वाई को फाइंड करो, ये बात समझना, इन जो जबरदस्त पहले एक्स निकालिए फिर वाई निकाल रहे नहीं, बात हमेशा समझना, मेरा हाइट कौन बन रहा है इस पर, हाइट मेरा वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ही हम सिर्फ निकालेंगे। अब देखिए
अब जो मेरा इक्वेशन है वो सब क्या क्या दे रखा है, देखो इक्वेशन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे लिख रहे हैं। इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस y इक्वल टू 3 है। हमने क्या बोला आपको, x y निकालना है, तो x को सेम कर दो, x को सेम कर दो, यहाँ पे 2 से गुना करना होगा, तो क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 गुना 6। चलिए यहीं पे माइनस हो कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ऊपर वाला 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, उसमें से हम 2x माइनस 2y माइनस 6 इसको हटा रहे हैं, ये 2x से 2x उड़ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5y में से 2y गया तो 3y, 3y बराबर 6, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इस y को हम यहाँ पे डाल रहे हैं इंटू 2 कर दे रहे हैं। अब देखिए 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 3, 3 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये नहीं जो पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालते हैं फिर हम y निकालते हैं, नहीं, आप हमेशा समझिएगा हाइट कौन बन रहा है। अगर मान लो इसमें y इक्वल टू 0 ना लिखे, अगर x इक्वल टू 0 होता तो उधर वाला ट्रायंगल बनता, तब तो ये इधर वाला ट्रायंगल बनता, समझो। रुक जाओ, ये कौन से इससे कर देते हैं, तब ये वाला ट्रायंगल बनता, ठीक है, एकदम गुलाबी गुलाबी जो बना वो बहुत। लेकिन मेरा x इक्वल y इक्वल टू 0 बोला तो मेरा x एक्सिस वाले से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आएगा, आगे बढ़िए। आपको लग रहा होगा बहुत, बाप रे बहुत लंबा सवाल है, नहीं बहुत आसान है, समझाने में टाइम लग रहा है। सवाल नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 लाइंस, 3 लाइंस है। अब भाई अब मैं डायरेक्ट आपका बनाऊंगा लाइन कोऑर्डिनेट्स, देखिए क्या क्या, देखिए पहला क्या है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 है। अब अगर आप इसको अगर आप इसका लाइन बनाएंगे ना तो बहुत आसान है लाइन बनना, देखिए कैसे लाइन बनेगा। पहला बल देखो, अगर आप y 0 करोगे तो x 4 आएगा, यहाँ पे ले आओ 4,0, अगर यहाँ पे करोगे तो ये आएगा 0,5, सिंपल है ना, ये आ गया आपका 0,5। चलिए हम लोग लाइन बना देते हैं, पहला लाइन हम लोग बना देते हैं, ये पहला लाइन बन गया। अब देखो दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अगर आप 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 का बनाएंगे तो सिंपल है, अगर आप y 0 करेंगे तो x 2 आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, x यहाँ पे 2,0 आ गया, और अगर यहाँ पे x 0 करेंगे तो y कितना 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना, हाँ यहाँ पे, हाँ 0, अब हम इसका लाइन बनाते हैं। बोलेगा सर इसका लाइन कैसे बनेगा, एकदम बनेगा, देखो ना, रुक जाओ रुक जाओ, देखिए बन गया। अब ये बताओ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मान लो ये पी पॉइंट है जो एक्स कॉमा वाई आएगा, सिंपल है, एंड एक्स एक्सिस इस पर सीधा बोल दिया एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, मतलब आपका जो एक्स एक्सिस है वो, और जहां इंटरसेक्ट किया वो ऐसे जो ट्रायंगल आ रहा है वो बन रहा है। चलिए मैं उसको भी मार्क कर दे रहा, चलिए आपको पता चल गया कौन ट्रायंगल का बात हो रहा है, बताइए पता चल गया कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब हमें बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस। अब बोलोगे सर मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ ए का वैल्यू कितना 0 से 2 है, ओ बी कितना 0 से 4 है, मतलब 4 में से 2 गया, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका 2 है, तो 1/2 इंटू 2। अब मेरे को हाइट निकालना है, बोलोगे सर हाइट कौन है, हाइट के लिए हम बेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे हमको बेस पे परपेंडिकुलर डालना होगा जी, ये अपने को परपेंडिकुलर डालना होगा। अब बताओ तुम एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हो, मतलब वाई की ओर तुम जा रहे हो, अरे हाँ या ना, अगर वही तुम वाई एक्सिस से इधर भागते, मतलब एक्स यहाँ पे मेरा हाइट बनता, तुम एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हो मतलब तुम्हारा वाई हाइट की ओर जा रहा है ना, तुम्हें वाई निकालना है, मतलब इन दोनों को सोल्व करके तुम्हें सिर्फ वाई निकालना है। चलो हाँ चलो सर, अभी देखिए 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 है, और 3 तुम अपने को y निकालना है, y फाइंड करना है, अपने को y फाइंड करना है, ठीक है ना, तुमको g लग रहा होगा वो, अपने को y फाइंड करना है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 6 है,
इसके लिए अपने को इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 5 से गुना कर दो, तब जाके सेम हो जाएगा। तो 5 × 15x + 12y = 60, 5 से गुना कर दो, 5 × 15x + 10y = 30, माइनस कर दीजिए, माइनस 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 ये कट गया, 2y = 30, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, y का वैल्यू 15 आ गया, इस 15 को आप यहाँ पे लेके आओ, ठीक है ना, तो इंटू 15 काट दोगे 2 से 2 बार में, तो कितना आ गया आपका आंसर, 15 स्क्वायर, आया समझ में, आसान। इक्वेशन बना लिए हम लोग, सॉरी ये लाइन का इक्वेशन लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर लिए, जब ग्राफ पे ड्रॉ किए तो हम लोग ये पता किए अपने को एक्स निकालना है या वाई निकालना है। अगर हम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसका मतलब अपने को वाई का वैल्यू निकालना है, और अगर हम वाई पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसका मतलब अपने को एक्स की वैल्यू निकालना, सिंपल है। और वो सोल्यूशन करके जो बोलेगा सिर्फ उसी का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला आपसे क्या बोल रहा है, जो द एरिया ऑफ इन स्क्वायर, ये अपने को बताना है, 2 ग्राफ दिया हुआ, इसका भी अपने को एरिया बताना, बहुत आसान है, देखा जाए, देखिए कैसे बनेगा सवाल। सबसे पहले तो अपना काम क्या होगा, एक मैं ग्राफ बना लूं, ठीक है ना। सबसे पहला 8x + 3y = 24, आप इसका जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत आसान है। पहला अगर y 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा, y 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा, वेट, ये कितना आएगा, 3,0 आएगा, और अगर आप x 0 करेंगे तो y 8 आएगा, तो इसको तो थोड़ा ऊपर खींच के ले जाना होगा, 0,8, सिंपल है। हम लोग यहाँ से लाइन का इक्वेशन सबसे पहले, सॉरी लाइन ड्रॉ कर, लेकिन सर थोड़ा सा इधर हो गया, अभी सब मैनेज हो जाएगा, सब हम PhD कर लिए हुए हैं, मैं 4 फार के 4 तार के सब कुछ। अब देखो 2x + 8 = y, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन क्या, 2x + 8 = y है। अगर आप देखो y 0 करोगे, देखना 2x + 8 = y है, अगर आप y को 0 करोगे तो 2x बराबर कितना आएगा, -8 आएगा, अरे यहाँ पे y 0 करोगे तो 2x, क्यों मेरा मुंह क्यों देख रहे हो ये -8 है तो x का वैल्यू -4 आएगा ना, सिंपल है ना। चलो तो x की वैल्यू -4 आएगी, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो -4,0, और अगर आप यहाँ पे x को 0 करोगे, अगर आप यहाँ पे x को 0 करोगे तो y 8 आ जाएगा, एट x = 0 y = 8, अरे तो 0,8 तो पहले से एक है कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये तो यहाँ पे लाई कर गया ना, यस सर। अब आइए हम लोग यहाँ पे इस लाइन का जमावरा करते हैं, हो गया। इस बार अपने को पहले से ही पॉइंट निकल गया, ये यही मेरा पॉइंट आ गया, यही मेरा पॉइंट ही आ गया, ठीक है ना, ये पॉइंट। तब अपने को बताना है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और वो पी है, अपने को इसका एरिया बताना है। अब अपने को इस पर सॉल्यूशन ही करना होगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे एंड एक्स एक्सिस बोला है ना, मतलब ये वाला, ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लें, तब तुम्हें समझ में आएगा ज्यादा कुछ। चलो फोटो बन रहा होगा, हो जा, पूरा मजा आ रहा है मेरे को कलर करने में भाई, मैं पेंटर क्यों नहीं बना यार। देखो अब अपने को इस ट्रायंगल का एरिया बताना, तो भाई मेरे अगर आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिएगा बेस पे, तो यही तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ना, यही तो परपेंडिकुलर बन जाएगा भाई, ये वाला लाइन ही तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका तो आपको क्या वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, और यही y ही तो आपका हाइट है, y तो आपका हाइट हो गया ना इस, ठीक है। तो बेस एरिया निकाल लीजिए, एरिया बराबर 1/2 × बेस। अब बोलोगे सर बेस कितना, तो ओरिजिन से 3 यूनिट इधर है और 4 यूनिट इधर है, मत बोलना -4 यूनिट, ठीक है, पर 4 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर, तो 7 यूनिट हुआ ना, तो 1/2 × 7, और हाइट कितना आपका 8 है, तो 7 × 4 कितना, 28 स्क्वायर यूनिट, समझे। आगे बढ़ो, इस बार एग्जामिनर सोचा भैया इनका ना ज्यादा इनसे हम सोल्यूशन नहीं करवाते आसान सवाल दे देते हैं, जो जो पॉइंट है वो ऑलरेडी पता है इनको। आइए देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द
लाइंस। देखिए इसमें एक लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स है, इसके लिए हम ये सवाल को उठाए हैं। अब ये पेपर में तो अभी तक नहीं आया बट आ सकता है। सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, सॉरी बॉडी ये एक्सिस बना लिए भाई, थ्री लाइंस वाई इक्वल टू टू एक्स। देखिए एक बात आप याद करके रखिएगा, मैं यहाँ पे दो बात लिख दे रहा, रुक जाओ, देखिए ये जो है ना ये आपका y इजिकल टू एम एक्स का ग्राफ है या y इजिकल टू x का ग्राफ है, और अगर हम यहां से अगर हम ऐसे लेके चलें तो y इजिकल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है, और वो जो ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, मतलब m का वैल्यू कुछ भी डाल दो ऐसे चलना है। ठीक है, तो y इक्वल टू x हो गया और यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स हो गया, वो पॉजिटिव वाला ये निगेटिव वाला, ये बात आप याद करके रखिएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू थ्री एक्स है, पॉजिटिव वाला है तो y इक्वल टू थ्री, y इक्वल टू टू एक्स है, तो आपको इक्वेशन ये लाइन का ग्राफ पे इस प्रकार डिनोशन करना होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी था वो तो आपको याद करके रखना होगा। ये y इक्वल टू कितना आ गया 2x, ये आपका लाइन है y इक्वल टू 2। अरे आप देखो ना 0 0 हमेशा हर बात पे तो 0 0 ही आएगा, x 0 y 0, अब अगर डालोगे x 1 तो y 2, x 3 तो y 6, तो सब ऐसे भागते चला जाएगा। आप करके देख लेना, बचपन में बनाए होंगे ऐसा। अब दूसरा देखिए क्या 3x + 5y = 65 है, अगर आप यहां पे y 0 करोगे तो x कितना आएगा 65/3 आएगा, 65/3, 0, और अगर आप x 0 करोगे तो y 13 आएगा। यहाँ पे मान लो 0, 13, अब यहाँ से आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और क्या बोल रहे एंड y एक्सिस, बहुत अच्छा बात, क्या बात, और इस पर कौन सा बोला y एक्सिस बोला भाई, y एक्सिस बोला मतलब इसको ये खींचने की बात कर रहा हूँ, y ये y एक्सिस है ना। तो अगर आप इसका जो इस बार अगर आप बोलेंगे गुरु जी इस बार मेरा ट्रायंगल कौन बनेगा, तो इस बार आपका ट्रायंगल ये बने, इसका बेस क्या होगा जी, इसका बेस होगा ये सीन है, ये आपका ट्रायंगल ऐसे कर दो तो अच्छा लग रहा है, अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, ये आपका ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है भाई मेरे, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो तुम हमें बताओ डेल्टा बराबर क्या होगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस इस बार तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का देखो कितना है, ये तो था तुम्हारा 0, 0 और ये 0, 13 है, वो 0, 13 है, 1, 3, 13 है। ठीक है ना, अच्छे से लिख देते, ये 0, 13 है दोस्त, तो 1/2 इंटू ये तो 13 हो जाएगा, अरे 0, 0 से 0, 13 तक जाओगे तो 13 यूनिट इसका डिस्टेंस होगा। अब अपने को यहाँ पे परपेंडिकुलर ये लाना है, अपने को परपेंडिकुलर ये लाना है, अब देखो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किए, वाई एक्सिस पे, मतलब तुमको अगर मान लो यहाँ जो अगर एक्स कमा वाई होता तो इस पर एक्स हाइट बना, इस पर क्या एक्स क्या कौन सा हाइट बना जी, एक्स हाइट बना, मतलब तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए। अभी देखो मतलब y को सब्स्टिट्यूट करना होगा, आइए दो इक्वेशन क्या क्या है, y इजिकल टू 2x है, देखो y इजिकल टू 2x और एक तुम्हारा 3x प्लस 5y इजिकल टू 65 है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में जो 3x प्लस 5y बराबर 65 है ना, वहाँ पे आप y को इलिमिनेट कर दीजिए, y बराबर आप 2x पुट कर दीजिए, 2x प्लस 5y है, 2x प्लस 5 इंटू और y की जगह पे आप क्या डाल दीजिए 2x और बराबर कितना दे रखा 65, सिंपल है। तो 5 × 2 = 10, एक मिनट, y का वैल्यू कितना है 2x है ना, अच्छा यहाँ पे 3x भी तो लिखा हुआ है ना, वहां पे 2x लिख दिए, सॉरी तो इसीलिए बोले कट क्यों नहीं रहा भाई आप भी समझ गए गलती कहाँ हुआ था। तो 5 × 2 = 10 + 3 = 13,
एक्स बराबर 65 है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस एक्स के वैल्यू को यहाँ पे लाके चिपका दीजिए इंटू 5, तो 65/2, एक्स का वैल्यू 5 ही आएगा ना, 65/2, 65/2 का मतलब कितना 32.5 स्क्वायर हो गया आपका आंसर आ गया। 32.5 ऑप्शन नंबर का सवाल। यहाँ पे मैं ये सवाल इसलिए करवाया, वाई इक्वल टू 2x दिया हुआ, तो हो सकता है आपसे इक्वेशन नहीं बनता या बन जाता, बट मैं मेरा मन था एक बार आपको रिवाइज करवा दे। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अगले कुछ एक सवाल है जो आपको खुद से बनाने हैं, ये तो आपका होमवर्क रहा, ये आपको खुद बनाना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, आप ट्राई करना, ये आप ट्राई करना, और सोल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपका सोल्यूशन अपलोड वहां कर दूँ। ठीक है, तुम ट्राई करना इस। अब देखो, अब तुम्हारे यहाँ से फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट दे दिया, अब तुम्हें एरिया निकालना है। अभी हमने बताया था भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। देखिए अगर मान लीजिए कोई अगर x1, y1 है, x2, y2 है और x3, y3 है, तो एरिया क्या होता है बताओ? एरिया होता है 1/2 x1 y2 - y3। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये इस लेवल पर अगर आप अभी नहीं याद किए तो गलत बात है ये, x3 y1 - y2। ठीक है, हम डायरेक्ट पुट करेंगे। अब आपको हम ये नहीं बताएंगे इसमें x1 कौन है, x2 कौन है, सिंपल है। x1 देख के सब ऑर्डर में दिया होगा, तो यहाँ पे x1 कौन हो गया, 2 हो जाएगा, तो 2 into y2 कौन है, -1 है, और y3 कौन है, 6 है। ठीक है ना, प्लस x2 कितना आपका, 3 है। x2 आ गया तो क्या आएगा आपका, y3 आएगा, y3 कितना है, 6, और y1 कितना, -7 है, प्लस x3, और x3 कितना आपका, -5 है, इंटू y1 7 है, और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 इंटू -1 - 6 - 7 - 7 × 2 - 14। अब ये मत सोचिएगा सर आप तो मोड में बोले थे माइनस को प्लस कर देंगे, अरे भाई जो फाइनल वैल्यू आएगा वो यहाँ पे कितना, -3 और 7 × 1 = 8 -40 कितना आ जाएगा, 1/2 × -57। इसको अब इसको तुम पॉजिटिव बना दो, 57/2 दैट इज 28 स्क्वायर, याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, याद होना चाहिए तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये बात याद कर लेना, बात नहीं याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। देखिए अगला मैं 3 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आपको फॉर्मूला कम से कम याद हो जाए। इन दोनों सवाल का आंसर ले आना, कमेंट बॉक्स में चिपका देना आंसर देखने के लिए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा। और देखो सवाल नंबर 11 में क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लीजिएगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बोलेगा सर 4 को वाला तो आप नहीं बताए थे, बताए थे कैसे, अगर आप AC को ज्वाइन कर लीजिएगा तो हो गया। एक बार आप ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिएगा और दूसरी बार आप ADC का एरिया निकाल दीजिएगा। अरे ABC में 3 कोऑर्डिनेट पता हो गया ना, ABC, और ADC में 3 कोऑर्डिनेट पता हो गया ना ADC, सिंपल बात है ना, एरिया आ जाएगा ना, और दोनों को जोड़ देना, फर्स्ट प्लस सेकेंड, यही आपका एरिया ABCD का हो जाए, सिंपल है। ये आप ट्राई कर लेना, ये आपको खुद बनाना है, ये मुझे नहीं बनाना है। नेक्स्ट देखो दोस्त, हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वहीं से सिलेक्शन होगा। हम कितने भी अच्छे पढ़ा जाए, कितने भी बुरा पढ़ा जाए, अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो जरूर कॉन्सेप्ट सीख। इफ द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर और एक इक्वेशन दे रखा है 2b + c = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b + c। दो वेरिएबल है इसलिए एक और इक्वेशन ये दे दिया है, वरना अगर एक वेरिएबल होता तो रिलेशन नहीं रहता, सिंपल बात है। और हमने बताया था अगर को लीनियर है तो दो केस होगा, या तो तुम एरिया जीरो कर दो और या तो तुम स्लोप को इक्वेट कर दो। ठीक है ना, को लीनियर का मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 4। बी कोऑर्डिनेट क्या है, b, c। और सी कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 5, -1। आप सिंपल यहाँ पे स्लोप को इक्वेट कर दो। हमेशा जब भी कोलिनियर का केस आएगा स्लोप को इक्वेट कर देना। ठीक है, चलिए तो AB का स्लोप निकाल लीजिए, AB का स्लोप निकाल दीजिए।
तो हमेशा कोशिश कीजिए बी और सी मतलब वेरिएबल में से घटाएं। आपको पता है वाई टू में से घटा रहा है तो सी माइनस माइनस फोर, सी प्लस फोर और बी माइनस माइनस वन मतलब बी प्लस, ये हो गया आपका। अब आप ए सी का निकाल दीजिए, बोलिएगा सर हम बी सी का स्लोप क्यों नहीं निकाले, अरे तो फिर वो आ जाता ना, फिर बी में ही आ जाता, इक्वेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ए सी में कोई वेरिएबल नहीं है, आराम से हो सकता था। यस सर, इसीलिए हमने किया। अब माइनस वन प्लस फोर, अरे स्लोप आपको पता है ना, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे देखिएगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं ये देखे तो पिछला वीडियो जाके देखिए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने करवा रखे स्लोप के, एकदम बच्चे लेवल वाले सर, जो पेपर में खूब आते हैं। और देखिए भाई, और अगला क्या है आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना, फाइव प्लस वन, ये कितना आ गया थ्री बाई सिक्स मतलब वन बाई टू। देखिए ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप बराबर होगा, और इसका स्लोप बराबर होगा तो इक्वेट कर दीजिए, सी प्लस फोर बाई बी प्लस वन बराबर कितना आ गया वन बाई टू। कैलकुलेट कीजिएगा तो टू सी प्लस एट बराबर कितना आ गया बी प्लस वन। दोस्त यहां से कितना आ गया, बी माइनस टू सी बराबर कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन बन गया। और एक आपका पहले से दिया हुआ है टू बी प्लस सी बराबर फोर, लो दिया हुआ है टू बी प्लस सी बराबर फोर, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अच्छा मान लो अगर सिर्फ बी दिया होता तो आंसर तो आ चुका होता क्योंकि सी नहीं होता तब। दो वेरिएबल दिया हुआ इक्वेशन एक ही बन रहा है, इसलिए काम करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए, आपको वैल्यू किसका चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए बी प्लस सी का, मतलब दोनों आपको निकालने होंगे ना, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इस वाले इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, फोर बी प्लस टू सी बराबर फोर, टू या एट। पहला वाला इक्वेशन है बी माइनस टू सी बराबर सात, जोड़ दीजिए फाइव बी बराबर फिफ्टीन। मेरे हिसाब से ये सब तो आपको आता है सोल्यूशन करना, छोटा छोटा बात है। बी बराबर थ्री आ गया, टू बी प्लस सी बराबर आपका फोर दिया हुआ, बी का वैल्यू डाल दीजिए तीन दुना छः, छः प्लस सी बराबर चार, सी का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू आ गया। तो आपको किसका वैल्यू लाना है, बी प्लस सी का लाना है आपको दोस्त, बी प्लस सी का वैल्यू लाना है। बी का वैल्यू कितना है तीन है, सी का वैल्यू माइनस टू है, थ्री माइनस टू वन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। कोलिनियर का केस हुआ, कोलिनियर के केस में हम क्या करेंगे, स्लोप को इक्वेट कर दें, और स्लोप बराबर क्या होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये मत कीजिएगा ऊपर आप एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दीजिएगा, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर तेरह और उसके बाद सवाल नंबर चौदह, दो सवाल और है ना। बोले फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट। अच्छा मतलब कुछ ये आपको देखो, एक कोऑर्डिनेट 1 कॉमा माइनस वन, दूसरा माइनस फोर कॉमा टू के, तीसरा माइनस के माइनस फाइव, आपको इसका एरिया दिया हुआ है। हर बार कोऑर्डिनेट दिया जाता था बोलता था एरिया निकालो, इस बार एरिया दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट को अननोन कर दिया, के का वैल्यू बोला निकालने को, आसान चीज है। उसके लिए हम एरिया से इक्वेट कर देंगे, और दुनिया जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, वन बाई टू इंटू मॉड एक्स वन, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये कर दो x2, ये हो गया y2, और ये हो गया x3, और ये हो गया y3। सिंपल बात है ना, ये y3 हो गया, ठीक है। अब आई x1, x1 कितना है वन इंटू, गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगा तो हमको बताइएगा, कैसे बताएंगे, तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वीडियो डाल देते हैं एडिट पिडिट करके। देखिए क्या है, वन बाई टू इंटू वन, एक्स वन लिख लिया, अब वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू कितना है टू के प्लस फाइव, अब उसके बाद आ गया आपका माइनस फोर इंटू वाई थ्री माइनस वन प्लस वन, समझ में आ रहा होगा, प्लस एक्स थ्री, और एक्स थ्री कितना है आपका माइनस के, माइनस के इंटू वाई वन, वाई वन माइनस वन प्लस टू के बराबर कितना दे रखा है ट्वेंटी। मॉड को हटा दीजिएगा, ये मत सोचिएगा मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस लेके आएगा, एरिया तो माइनस में आएगा नहीं, सिंपल बात है, ऐसे ही बन जाएगा आपका, तो उसको ले जाइए तो 48 हो जाएगा। इधर आर एच एस में हम 48 लिख देते हैं, एल एच एस को सोल्व करते हैं। देखिए 2k प्लस 5, देख लेना कोई गलती ना हो, माइनस वन प्लस माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर, माइनस फोर इंटू माइनस फोर प्लस 16, माइनस के से मल्टीप्लाई करो माइनस के
माइनस टू के स्क्वायर। अच्छा एक जगह गलती कर दी है ना, टू के है ना, तो वाई थ्री माइनस टू के होगा ना, यहाँ पे लग गया था कुछ ना कुछ तो गलत किया, यहाँ पे होगा माइनस टू, अगर यहाँ पे माइनस टू के होगा तो यहाँ पे प्लस टू के स्क्वायर होगा भाई, टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 21 बराबर 48, टू के स्क्वायर, टू के, कहीं कुछ गलत किए हैं क्या? मेरे को तो लग रहा है माइनस 27 तो आएगा नहीं, फिर 27 दूना 54, एक बार रुक जाओ सोल्यूशन चेक कर ले रहे हैं। वन इंटू मेरे साथ करना, वन इंटू क्या आएगा, टू के प्लस फाइव, ठीक है तो टू के प्लस फाइव आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस फोर, अच्छा हाँ माइनस फोर इंटू माइनस फाइव प्लस वन माइनस 16, फिर यहाँ क्या आ गया एक्स थ्री के जगह पे माइनस के इंटू माइनस के आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस वन और माइनस टू के, दैट वाज माइनस के, अच्छा माइनस के इंटू माइनस वन तो प्लस के होगा ना, ठीक है अगर प्लस के हो जाएगा तो टू के प्लस के थ्री, ये बोलना चाह रहे थे आप लोग, कोई बात नहीं, टू के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस 27 बराबर जीरो, 27 दूना 54 और 27 दूना 54 9 6 54, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो टू के स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा ना 9k माइनस 6k, वहाँ पे बोलिएगा ये सिखाने को तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर इसका सॉल्यूशन करना, k का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 9/2 और k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3, देखिए प्लस 9k उधर ले जाइएगा तो माइनस 9 आएगा, प्लस 2 k स्क्वायर मतलब k स्क्वायर कोएफिशिएंट जो 2 है उसे आप डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते, प्लस 9 उधर गया तो माइनस 9/2, माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6/2, अगर k का कोएफिशिएंट 1 होता तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। आगे k का वैल्यू कितना आ गया माइनस 9/2, 3, आगे ऑप्शन नंबर सी, खत्म, आगे बढ़िए भाई, अच्छा सवाल था वो, दिया जाएगा बस कैलकुलेशन करवाएगा, वो कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन फॉर्म बाई द, अच्छा एरिया ऑफ द कॉमन रीजन है, दो लाइन है आपको बताना है, एंड वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, अच्छा जी देखते हैं क्या बात है, अगर आप इसको प्यार से देखेंगे तो इस लाइन का स्लोप इक्वल है, स्लोप आपको पता है ना माइनस ए अपॉन बी, कैलकुलेट करोगे तो दोनों का स्लोप माइनस वन आएगा, मतलब पैरल लाइन होगा ये दोनों क्या है जी पैरल लाइन है, तो हो सकता था आपसे एरिया बोल सकता था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी निकालो, देखो अगर आप पहले लाइन को ड्रॉ करोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आएगा, मतलब x अगर y 0 डालोगे तो x 5, x 0 डालोगे तो y 5, सिंपल बात है, यहाँ पे आ गया 5, 0 और यहाँ पे आ गया 0, 5, ये हो गया आपका पहला लाइन, अब दूसरा लाइन आपसे क्या बोल रहा है 5x प्लस 5y इक्वल टू 40 है, एक्स 8 तो वाई 0, और यहां पे भी सेम सिस्टम चल रहा है 0, 8, आइए अब लाइन बना दीजिए, हाँ ये ऐसे बनेगा ना, इस लाइन को थोड़ा इधर खिसकाते हैं इस कोऑर्डिनेट को, क्योंकि उधर हम ज्यादा गैप ले लिए थे, अब क्योंकि स्लोप इसका इक्वल है ना तो अपने को पता है भाई ये पैरेलल होगा ना, सिंपल बात है, हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, खैर इतना नहीं भी जोड़ दीजिएगा ना फिर भी आपका हो जाएगा, बस सिखाना था क्योंकि परफेक्शन आना जरूरी होता है। कॉमन रीजन बोल रहे फाइंड एरिया ऑफ द कॉमन रीजन, इन दोनों का कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन का मतलब क्या है, सिंपल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, सिंपल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, और x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस y एक्सिस इन सबसे मिलके x एक्सिस y एक्सिस और इन दोनों लाइन का जो कॉमन रीजन उसके एरिया बताना है, आपसे ये कहना चाह रहा है दोस्त, आपसे इस वाले पोर्शन का एरिया बोल रहा फाइंड कर, देखना किसका बोलेगा,
जो ट्रेपीजियम बन रहा है ना उसके एरिया बोल रहे निकाल। हाँ अब आपको दिख रहा होगा जो ट्रेपीजियम बन रहा है ना उसका एरिया बोल रहा है आपको निकाल। बहुत आसान है ना। अब बोलोगे सर एक काम करते हैं बड़े वाले ट्रेंगल के एरिया निकाल लेते हैं, छोटे वाले ट्रेंगल के एरिया निकाल लेते हैं, बड़े वाले ट्रेंगल में से छोटे का ट्रेंगल हटा देंगे तो वही तो आ जाएगा। अरे सर निकल गया, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप ये सोचे तो बहुत बढ़िया। इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते, ठीक है ना। इसको ओ मान लो। द रिक्वायर्ड एरिया, पहले तुम लोग ट्रेंगल के एरिया निकाल लेते, एरिया ट्रेंगल ओ ए बी, एरिया ट्रेंगल ओ ए बी बराबर ओ ए डी। हाँ ओ ए डी, ओ ए डी, ओ ए डी छोटा वाला। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 × 5 × 5, दोनों 5 है ना, राइट एंगल ट्रेंगल तो बन रहा है ना ये। यस सर। तो 25/2 कितना जी, 12.5। और अगर आप बोलेंगे गुरुजी एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ बी सी को निकाल दें, ओ बी सी बराबर 1/2 × 8 × 8, 2 × 4 = 8 = 32। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, बरका का रीजन 32 है, छोटका का रीजन 12.5 है, तो बरका के रीजन में से छोटका हटा दीजिएगा तो ये पट्टी आ जाएगा ना। यस। रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना जी, 32 में से अगर आप 12.5 घटा दीजिएगा, डेट विल बी 19 हो गया ऑप्शन नंबर। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आएगा कैसे क्या है। और आप ट्रेपीजियम को भी फॉर्मूला से निकाल सकते थे, बोलो कैसे निकाल सकते थे। देखो आप ऐसे भी काम कर सकते थे, लेकिन उस केस में यार तुम्हारा कल्याण हो जाता। बोलो कैसे फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता, वो सब छोड़ दो, डायरेक्ट आप एरिया ही निकाल लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, C1 - C2 √√a² + b² सर ये क्या था ये एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस होता है, ये क्लास 11th में पढ़ना होता है। अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल लाइन है तो उसका जो C1 C2 होता है, तो C1 - C2 √√a² + b² उसका मॉड ले लेते हैं। वो छोड़ दीजिए, वो सब सिंपल बात है, आप बस ये समझ के चलिए भाई, जो बड़े वाले ट्रेंगल में से छोटे ट्रेंगल को हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही आपको समझ। और ये तो हम लोग सीख ही चुके बड़े वाले ट्रेंगल, छोटे वाले ट्रेंगल, इन सब के एरिया कैसे लाए जाते। तब आपके यहाँ से दो टॉपिक और बचता है, दो टॉपिक का मतलब रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्स के पैरेलल वाई के पैरेलल, ये करवा देंगे। और यही तो बचा है, और क्या बचा है, और आपका क्या बचा है, रुको तो एक टॉपिक और बचा है, क्योंकि अगर वो नहीं हमको याद रहेगा तब तो फिर कल्याण हो जाएगा ना आपका, और हम वो जो हम चाहते नहीं है भाई कल्याण हो। मैं चाहता अगर मैं हफ्ता में एक वीडियो डाल रहा तो भाई मैं वो पूरा ही कर दूँ वो चैप्टर, लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियो डालने का, बट स्टिल मैंने जो आपसे वादा किया वो सब निभाऊंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला, इसको भी खींच देंगे, पेपर में आया सवाल यहाँ से, इक्वेशन ऑफ सर्कल का पार सर्कल का पूछा, पैराबोला का अभी तक नहीं पूछा, वो भी देख लेंगे, छोटा छोटा होता है काम का। जो अगला लेक्चर होगा वो छोटे छोटे लेक्चर अब दो डाल देंगे, आधे आधे घंटे लेक्चर, आधे आधे घंटे में दोनों खत्म हो जाए, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राय राय कीजिए आप लोग।